ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमने सरकार तक पहुंचानी है। अपनी मांगे, हमारी पहली सबसे पहली मांग है कि राजस्थान में जो ईस्ट कैनाल परियोजना चल रही है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, जिससे सूखी पड़ी नदियों में बांधों में पानी आएगा तो किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति होगी और पीने का पानी का संकट भी खत्म होगा। दूसरी मांग है हमारी विधायकों की और सांसदों की पेंशन बंद की जाए, उस पैसे को भारत सरकार सुरक्षा में और देश के विकास में काम लाए। तीसरी मांग है हमारी कि रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 58 साल निश्चित की जाए, चाहे उसमें न्यायपालिका का न्यायाधीश ही हो, सबको 58 साल में निश्चित तौर पर रिटायर करना है, जिससे नए लोगों को, युवाओं को मौका मिलेगा रोजगार का। तीसरी मांग है हमारी कि रीसेटलमेंट, यानी कि रिटायर के बाद भी जो दोबारा भर्ती हो जाते हैं इसलिए नए लड़कों को मौका नहीं मिलता, उन्हें रीसेटलमेंट ख़त्म किया जाए, यानी कि विस्तार ख़त्म किया जाए उनका, ताकि दूसरे लड़के भर्ती हो सकें। और अगली मांग हमारी ये है कि दिल्ली में या किसी भी प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट में जो भर्ती हैं उन्हें स्थायी किया जाए। और अगली मांग है हमारी कि ITBP, CRPF, BSF या केंद्रीय कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, उनकी 2004 से जो पेंशन बंद की हुई है उस पेंशन को बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर हम जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पूरे राजस्थान से लोग आए हुए हैं, बल्कि पूरे देश का हमें समर्थन मिला हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी भीड़ हो रही है ये सब हमारे समर्थन में है। और इसी को लेकर हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दिया है और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी हमने ज्ञापन दे दिया है, ताकि हमारी बातों पर विचार किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।